हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है फ्राइडे और आज की रूटीन ऐसे रही कि सुबह उठने के बाद जो है नाश्ता वगैरह करके फिर नमाज का टाइम हो गया था। नमाज से फ्री होकर अभी जैसे हम रेडी हुए हैं ताकि हमने कहा कि चलो कुछ आउटिंग कर ली जाए क्योंकि यहाँ पर चल रहा है लॉन्ग वीकेंड। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो लॉन्ग वीकेंड इस हवाले से क्योंकि सऊदी अरब में है यौम अल वतनी यानी सऊदी अरब का नेशनल डे 94th, और इसमें आ रही हैं चार छुट्टियां, फ्राइडे से लेके मंडे तक चार दिन पूरी छुट्टियां हैं। तो वैसे तो कोई हमारा आउटिंग का कोई प्लान नहीं बना, मतलब कहीं, मतलब लोग ज्यादातर क्या होता है कि उमरे के लिए चले जाते हैं या किसी और नियर बाय कंट्री जो बहरीन है, कतर है, यूएई है, वहां चले जाते हैं या कुछ लोग अपने मुल्कों में चले जाते हैं। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं बना क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वेकेशन से होकर आया हूँ। आज हम निकल रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, तो हमने कहा कि चलो सी साइड पर कुछ तफरी कर ली जाए, कुछ रौनक देख ली जाए, कुछ जो है मतलब कि समंदर को देख लिया जाए ताकि अपनी भी कुछ रिफ्रेशिंग चार्जिंग हो जाए। तो चलें चल के साथ देखते हैं और आपको भी हम दिखाते हैं कि क्या सीन है वहाँ पर। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए पर क्राउड इतना है, इतना ट्रैफिक जैम है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मेरा मकसद था यहाँ आने के बाद बोटिंग करने का क्योंकि फेरी जो यहाँ से चलती है वो पर राइड लेने का प्लान था, पर यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, हमें इतना टाइम लगा है इस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। इस टाइम अभी हम मौजूद हैं गैलेरिया के सामने और गैलेरिया के सामने हमें बस अचानक से एक पार्किंग मिल गई हमारी डिजायर्ड लोकेशन के मुताबिक। तो खैर हम अभी जो है नीचे उतरते हैं और फिर चलते हैं आगे। ये जी हम इस टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया गैलेरिया मॉल के सामने खड़े हैं। दोस्तों मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है पहले क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है गर्मी का एहसास और पसीना बहुत आता है आपको। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम बहुत कंट्रोल्ड है। ये जी फरातिर कॉर्निश का एरिया। दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं जुबैल के फनातीर एरिया में और फनातीर के एरिया के कॉर्निश के पास। तो इस टाइम जो है ये मगरिब का समा हो चुका है और सनसेट हो चुका है। हम आए थे सनसेट से पहले, हमारा इरादा था कि फेरी राइड ले लें और सनसेट जो है हम फेरी राइड के ऊपर देखें, बट खैर अब वो तो हम टाइमली नहीं पहुँच सके तो हम जो है फिर नेक्स्ट टाइम जो भी देखेंगे। समुद्र पर आने का कि आप जो है इस लहरों की जो शोर पर टकराने की जो आवाज़ होती है जो कि रिलैक्स होने के और सूथिंग के लिए साबित होती है, जो कि बहुत सूथिंग के लिए अच्छी होती है। हार ही है क्योंकि इधर ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक की वजह से जो है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, वरना लहरें यहाँ पर टकरा रही हैं इधर कोने पर। मैं बिल्कुल ये एज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ इधर। हाँ एक एज इसका निकाला हुआ है ताकि एक पॉइंट बना सके। अल्लाह ना करे कोई सुनामी थोड़ी आ रहा है। तो हमारा प्लान है कि जी हम जाते हैं मॉल, जिस तरह आप मेरी बात
जाके कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि नेशनल डे के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी लगी होती हैं। ऑफर्स में अगर कोई अच्छी चीज़ लग गई तो हम अपने लिए ख़रीद भी लेंगे, वरना फिर हम वापस आके और खाना खा के निकल जाएंगे। अच्छा, आप सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पर नमाज़ पढ़ने के लिए एक बंदोबस्त किया जाता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स के अंदर कारपेट होता है, इसको रोल करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और पूरी एक सफ के तौर पर कारपेट बना सकते हैं। बड़े अरसे के बाद मेरा प्लान था कि मैं सी शोर पर आके जो है एक ड्रोन शॉट बनाऊं, पर यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है और इतना जो है हल्ला गुल्ला है, तो मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ सीन हो चुका इधर। अमेरिकन ईगल आए हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, जैसे ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 50% ऑफ और बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ है। कभी एक ऐसी शर्ट नहीं बाय कर सकते, सेम सेम दोनों पहने, ट्यूनिंग करें, हाँ ले सकते हैं। तो आप देखें कोई ऐसी जो मैं भी पहन सकूँ। बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो ऑफर्स लगी हुई थी, जो हबी को पसंद आया उसमें हबी का साइज़ नहीं मिला, और बाकी जो कलर्स रखे हुए थे वो अभी पाकिस्तान से लेकर आए, है ना। और अब आगे देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलता है। वहाँ देखिए रश हो रहा है और कोई कुछ हो रहा है, ऊपर से दिखाते हैं आपको। दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं गैलरिया के फूड कोर्ट में और ये हमारा डिनर है आज का, टुडे डिनर। यहाँ पे बहुत शोर है इसलिए हम वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा समा दिखा दो फूड कोर्ट पर। और मुझे भी जगह ऐसे मिल गई थी कि यहाँ से एक फैमिली उठ रही थी, मैं सारी जगहों पे नज़र घुमा रही थी तो मैंने फ़ौरन से ली। यहाँ पे चेयर्स भी नहीं थी इवन। हम बाहर आ गए हैं अभी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ओए मैं गिर ना जाऊँ, बस मुझे ये बताते रहिए रास्ता। इधर देखें क्या लिया आपने? मैंने तो नहीं लिया, वॉल फ्लावर लिए। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये वॉल फ्लावर है। अच्छा, ये क्या होता है ये तो बता दे। फ्रैग्रेंस है, खुशबू है कमरे में लगाने के लिए। अरे नहीं और दोस्तों, हम लोग गैलरिया से फ्री हो गए थे और जा रहे थे घर की तरफ। जो घर का रास्ता है उधर तो इतना डायवर्जन और डिटोर बनाए हुए थे पुलिस वालों ने रास्ते बंद करके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें रास्ता पड़ रहा था एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसके करीब। तो हमने कहा कि चलो हम आपको 16 iPhone 16 Pro Max जो है या प्रो जो भी मॉडल आए हैं उसके वो सारे आपको चेकआउट करवाते हैं। और क्योंकि मेरा तो कोई फिलहाल लेने का प्रोग्राम नहीं, क्योंकि 5 महीने पहले ही मैंने अपनी वाइफ को जो है 15 प्रो मैक्स दिला के दिया था और मैं तो नॉर्मली 14 प्रो मैक्स ही यूज कर रहा हूँ।